नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकर्स आईएएस एकेडमी। हम लोग डिस्कस करेंगे आज 12 जनवरी के कंटर फेयर के एमसीक्यू जो फ्रेम किए गए हैं द हिंदू से, पीआईबी से, इंडियन एक्सप्रेस से। समय हो रहा है सुबह के 4:21। चलिए शुरू करते हैं। जो पीडीएफ है वीडियो का आपको मैंने दे दिया है टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी आईडी है क्रैकर्स आईएएस एकेडमी। यही हमारा फेसबुक पेज है, यही हमारा यूट्यूब चैनल भी है। चलिए, हमने कहा था आपसे कि हम लाएंगे आपके लिए दो वीडियो। पहला होगा करंट अफेयर एमसीक्यूज का, जो मिलेगा आपको सुबह। दूसरा वीडियो होगा हमारे स्टैटिक टॉपिक्स का, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी थ्रू एमसीक्यूज, इंडियन हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज, आर्ट एंड कल्चर थ्रू एमसीक्यूज। ये सब वीडियो आपको शाम को मिलेंगे। टाइमिंग क्या होनी चाहिए आप बता दीजिए, कितने बजे अपलोड कर दिया जाए। 4:00, 5:00 आप कहेंगे उस टाइम अपलोड हो जाएगा। हमारा जो पहला सवाल है वो है एमिशन गैप रिपोर्ट 2019 के बारे में। कह रहा है इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इमीटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। देखो, पर कैपिटा इनकम इमिशन के मामले में इंडिया जो है वो काफ़ी नीचे है, मगर टोटल इमिशन के मामले में इंडिया जो है वो दूसरा नहीं है, ये चौथा है। इंडिया से ऊपर आता है यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये चौथा है। मेरा गलत हो गया, मैंने क्या किया, ए को, सी को, डी को मैंने काट दिया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो हमारा सेक्टर है एनर्जी वाला, जहाँ पर हम लोग पावर सेक्टर है ना, कोयला वगैरह जैसे कि यूज़ करके हम लोग बनाते हैं बिजली, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है। मेरे यहाँ पर सेकंड सही है। ये जो रिपोर्ट है इसे निकालता है यूएनईपी, मेरे यहाँ पर 3 है जो सही है। ये जो इमिशन गैप रिपोर्ट है ये बताता है कि हमने जो प्रॉमिस किया था अपने इमिशन को कम करने का, क्या वो सफिशियंट है। अगर सफिशिएंट नहीं है तो उस गैप को भरने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हमने तय किया था प्रेस एग्रीमेंट में कि हम इमिशन को इतना कम करेंगे कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है ना उसको 1.5 डिग्री जैसे कि होने से रोक सकें, या फिर 2 डिग्री से वेल बिलो रहे, ध्यान सुनना, वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। इससे तो कम रहेंगे ही रहेंगे, मगर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 1.5 डिग्री तक हम उसको रोक दें। इंडिया का जो INDC है वो ये था कि हम अपना जो इमिशन है उसको कम करेंगे 1/3 बाय द इंटेंसिटी ऑफ द GDP, और हमारा जो टोटल जिसकी जो कैपेसिटी होगा पावर जनरेशन का, उसका 40% हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा। इसीलिए हमने जो नेशनल सोलर मिशन है वो लॉन्च किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसे लॉन्च किया है ताकि जो सोलर पावर है ना इसको बढ़ावा दिया जा सके। UPSC क्वेश्चन पूछेगा आपसे सिंपल सा ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट सोलर एनर्जी। ध्यान से सुनना, आपको मैंने कल बताया था हमारा पर्पस है सवाल सॉल्व करना। हम देखेंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे टॉपिक से, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा इनिशिएटिव आपका जो प्रमोट करेगा सोलर एनर्जी, आपको 1, 2, 3 कर दे देगा, आपको पहचानना रहेगा, ठीक है। चलिए, हमारा जो INDC वो ये भी कहता है कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन का जो एक्स्ट्रा कार्बन सिंक है, कार्बन सिंक का मतलब ये होता है कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक कार्बन को जाकर के स्टोर किया जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लगाते हैं पेड़ पौधे, अगर हम अपना वन को विस्तारित करते हैं तो जो पेड़ होता है ना वो कार्बन को स्टोर करता है। अगला हमारा सवाल है नेशनल इकोनॉमिक सेंसस से। इट इज़ कंडक्टेड वंस इन एवरी 10 ईयर। ये हर 10 साल में नहीं होता, ये हर 5 साल में होता है। मेरा पहले यहाँ पर गलत हो गया, इस बार मेरा केवल एक और डी ही हुआ एलिमिनेट, मेरा बी और सी बच गया। रिसेंटली 7th सेंसस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लॉन्च्ड। तीसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम इंटायर सेंसस इज बीइंग कंडक्टेड ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर 2 और 3 जो है वो दोनों सही है, मेरा आंसर आगे यहाँ पर आ गया बी। ध्यान रहेगा, जो हमारा सेंसस है इकोनॉमिक वाला, इसमें जो CSCN है, कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क है, ये भी हेल्प करेगा, और जो पूरा सेंसस होगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। ये हर 5 साल पर होता है। जो पॉलिसीज हैं, प्लानिंग है, उसको इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाता है। 1978 में ये पहली बार हुआ था। होता क्या है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश की, उसका ये गणना करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये इकट्ठा करता है, क्या, वेरियस ऑपरेशनल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन आवर कंट्री। देखो न्यूज़ पे आता है यहाँ पे, इसलिए शॉर्ट फिल्म किया गया था, हिंदू का सवाल न्यूज़ है ये। अगला हमारा सवाल है कोलेरू लेक पर।
कोलेरू वेटलैंड इज वन ऑफ द 94 आइडेंटिफाइड वेटलैंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। यूपीएससी ऐसे जो डाटा होता है ना उसको काफ़ी कम ट्विस्ट करता है, मतलब कि डाटा अगर दिया है ऐसा, मतलब कि बहुत ही रैंडम डाटा 94 आइडेंटिफाइड, यूपीएससी आपसे उम्मीद नहीं करता कि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। इसीलिए जब आप सवाल सॉल्व करते हो उसको ध्यान दीजिएगा कि हाँ आपको मेन जो बातें हैं ना उस पर ध्यान देना है कि हाँ क्या, जैसे कि इसको लॉन्च किया गया है, क्या इसमें ये बातें हैं वो बातें हैं। फॉर एग्जांपल, इट हैज़ बिकम अ सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ग्रे पेलिकन एंड पेंटेड स्टॉक विच आर माइग्रेटरी स्पीसीज। यूपीएससी आप सी ये चेक नहीं करेगा कि आपको 94 पता है कि नहीं, वो ये चेक करेगा कि क्या आपको पता है कि ग्रे पेलिकन और पेंटेड स्टॉक माइग्रेटरी बर्ड हैं या नहीं। ये दोनों के दोनों माइग्रेटरी बर्ड हैं। कैसे पता सर? हमने आपको पहले एक क्वेश्चन दिया था जहाँ दिखाया था मैंने कि जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है ना, मैंने इसे सवाल फ्रेम किया था, बताया था आपको किनमें से कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो जो मेरे सारे वीडियो से पिछले वाले उसको देख डालिए बैठ करके, संडे है आज, जितना हो सके। मेरे यहाँ पर सेकंड है जो सही है। द लेक वॉज डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से एक्ट के अंतर्गत डिक्लेयर करते हैं, आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। सवाल नंबर आपके लिए है ये, मैंने इसे पढ़ा दिया है पहले, इसे मैं इसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है अंडर रामसार कन्वेंशन। मेरा यहाँ पर 3 है जो सही है, ध्यान रहेगा। मेरा आंसर क्या आ गया? आंसर मेरा आ गया 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। 2 मेरा जो है वो गलत है, क्योंकि ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो सेफ नहीं रहा, अब यहाँ पर जो पानी है वो कम होता गया है। मेरा पहला सही है, 3 सही है, 2 मेरा गलत है। हाँ, ये दोनों माइग्रेटरी बर्ड हैं मगर ये सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं है। सी 1 and 3 ओनली आर द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में। इट एम्स टू कनेक्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस लाइब्रेरी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। ये बात सही है, जो नेटवर्क है इसके अंतर्गत सभी संस्थानों को जोड़ा जाएगा, पहला सही है। एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर स्पेस एंड डिफेंस रिसर्च आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। ये बात भी सही है। इट एम्स टू फैसिलिटेट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड मेडिसिन। यहाँ पर इन तीनों फील्ड में जो एजुकेशन है उसको दिया जाएगा। 1, 2 and 3 सही है मेरा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो इनकेन है ना, जो नेटवर्क जो है ना, ये एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा ताकि जो डाटा है वो फ्लो हो सके एक संस्थान से दूसरे संस्थान में, जो रिसोर्सेज हैं एक संस्थान में उसको यूज किया सके दूसरे संस्थान के द्वारा। अगला मेरा सवाल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको कैलकुलेट करते वक्त कौन कौन से फैक्टर को ध्यान दिया जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ट्रेंड इन द डोमेस्टिक एंड नेशनल मार्केट, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी। इनके अलावा देखो, इन तीनों के अलावा जो हमारा CACP है ये कैलकुलेट करते हैं। सुनना, CACP जो है वो कैलकुलेट करता है कि MSP कितना होना चाहिए, गणना करके ये रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। ये इसको इन्फोर्स करता है कि हाँ यही होगा जो हमारा MSP होगा, ये कैलकुलेट करता है। क्या करता है? CLCULAT कैलकुलेट करता है। मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? डी 1, 2 and 3 आर करेक्ट। इसके अलावा जो कंज्यूमर इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी भी ये जांच करता है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो इंटर क्रॉप पैरिटी है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, इम्पैक्ट ऑफ MSP ऑन कंज्यूमर्स, ये सब बातें देखी जाती हैं। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट इसे कौन रिलीज करता है? ये सवाल है। UNCTD, WEF, WTO एंड वर्ल्ड बैंक, इसे निकालता है UNCTD। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया था कि जो डाटा लोकलाइजेशन है इट मे नॉट इम्पीड डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स। क्या होता है डाटा लोकलाइजेशन? डाटा लोकलाइजेशन का मतलब यह है कि जो डाटा हमारे देश में जनरेट हुआ है वो देश में ही रहे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, मान लो कि आपने पैसा ट्रांसफ़र किया पेटीएम से, अपने SBI में ट्रांसफ़र किया पैसा, तो जो डाटा जो हमें जनरेट हुआ ट्रांजेक्शन डाटा जो है ना, ये आपके देश में ही रहे, इसको बाहर ना ले जाया जाए, ठीक है। आंसर क्या है? UNCTAD। ये जो पोटेंशियल गेन है इकोनॉमी को इंटरकनेक्ट करने के, इसको ये मेजर करता है, इसको ये आउटलाइन करता है। ये कहता है कि जो US हैं, चाइना हैं, दे क्रिएट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वेल्थ इन डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि यही दो कंट्री हैं जो 75% पेटेंट जो संबंधित हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, वो इन दो कंट्री के पास है, ध्यान रहेगा।
चलिए अब बताइए कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है इनके एप्लीकेशंस क्या-क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर दो हो गया। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? पहला तो हमारा हो गया बिटकॉइन वगैरह, है ना, जैसे कि हमारा जो है ना क्रिप्टो करेंसी वहाँ होता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी काफ़ी अलग अलग इस्तेमाल होता है। गूगल सर्च कीजिए, इसको पता कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा है उसको रखने के लिए लेजर वगैरह में, इन सब में होता है इसका इस्तेमाल। तो बताइएगा इसके अलावा कौन कौन सी बातें होती हैं। स्ट्रैंड हॉग ये न्यूज़ में था, ये क्या है दोस्तों? स्ट्रैंड हॉग जो है वो एक एंड्रॉयड वनरेबिलिटी है। इसके कारण आपके फ़ोन पे स्पाइंग हो सकती है, मतलब आपका जो SMS उसको देखा जा सकता है दूसरे के द्वारा। आपके कैमरे का, माइक्रोफोन का, इन सब का एक्सेस हैकर के पास चला जाएगा अगर उसने स्ट्रैंड हॉग जो वल्नरेबिलिटी है इसका इस्तेमाल किया। तो पहले ये iOS भी था, इसको भर दिया गया, मतलब उस गैप को हटा दिया गया, उसको रिजॉल्व कर दिया गया iOS के द्वारा। एंड्रॉयड में मौजूद है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगला सवाल है DSC के बारे में, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। इट इज़ द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर मिलिट्री प्रोक्योरमेंट। बिल्कुल सही है, इसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री, नहीं जी डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। टू मेरा गलत है, क्या आंसर आ गया? ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रहेगा। चलिए, करता क्या है? जो प्रोक्योरमेंट है उसको ये एक्सपेडाइट करता है। जो आर्म फोर्स जिसकी डिमांड करते हैं ना कि हमें इतनी चीज़ें ये चाहिए, हमें जितनी चाहिए ये चाहिए, उसको ये पूरा करके देता है। नेशनल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट सर्वे, इसे कौन निकालता है? इस सर्वे को निकालता है एम्स। कौन निकालता है? एम्स। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 24 स्टेट हैं, इसके जो 31 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया था। जो कैटरैक्ट है, इट इज़ द प्रिंसिपल काउज ऑफ ब्लाइंडनेस फॉर पीपल एबव 50 ईयर्स। भारत में जो 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं ना, उसमें कैटरैक्ट जो है वो मेन कारण है ब्लाइंडनेस का, ये पाया है इस सर्वे ने जो कराया गया था एम्स के द्वारा। इंडिया पहला देश था जिन्होंने नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस लॉन्च किया था 1976 में, 1976 में। अगला हमारा सवाल है बॉल फेस्टिवल पर, ये मनाया जाता है इंडिया नेपाल में? नहीं जी, ये बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। मेरा पहला गलत हो गया, मैंने यहाँ पर ए काटा, मैंने यहाँ पर डी कैलकुलेट, जैसे कि मैंने डिक मैंने एलिमिनेट किया। बॉल म्यूजिक रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोक सॉन्ग, जो बॉल होता है वो फोक सॉन्ग है, मतलब कि जो लोकगीत होते हैं ना वो होते हैं जिस पर हिंदू भक्ति का, सूफी का भी इन्फ्लुएंस होता है। बॉल बिलोंग टू अनऑर्थोडॉक्स डिवोशनल ट्रेडिशन, जिस पर इन्फ्लुएंस होता है हिंदुज़म का, बुद्धिज़्म का, बंगाली वैष्णविज़्म और सूफी इस्लाम का। यहाँ पर दोनों बातें सही है, मेरा आंसर यहाँ पर है बी, टू एंड थ्री ओनली आर करेक्ट। फेस्टिवल होता ही होता है हमारे 3 दिन का। ठीक है, कहाँ मनाते हैं? इंडिया नेपाल सॉरी इंडिया बांग्लादेश दोनों में इसको मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बातें कही गई है इसके बारे में, कहाँ है? बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। जो बॉल है इसका मतलब होता है अफ्लिक्टेड विद द विंड डिजीज, और बॉल सिंगर जो होते हैं वो वांडरिंग मिनिस्ट्रल्स होते हैं जो एक अलग तरह का लोकगीत गा रहे होते हैं। जो लालौन शाह है उनको मानते हैं कि सबसे प्रसिद्ध बॉल सेंट हैं हिस्ट्री में। तो दोस्तों ये बातें थी, एक बात और देख लीजिए, जो ट्रेडिशन है बॉल वाला, इसको इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ मास्टर पीसेज ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल। ओरल मतलब जैसे कि जो मुख से बोला जाता है, इंटेंजिबल मतलब ये होता है कि इसको आप छू नहीं सकते, हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय द यूनेस्को। दोस्तों ये थी बातें हमारे आज की, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।